नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल देश दुनिया की खबरों के अलावा दो नाम, दो लड़कियों के नाम बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। एक है शबनम और दूसरी है आयशा। शबनम है यूपी के अमरोहा की रहने वाली और आयशा अहमदाबाद की। दोनों की कहानी में लोगों की बेहद दिलचस्पी है। आयशा ने जहां अपने प्यार के लिए नदी में छलांग लगा दी और नदी में समा गई और नदी से ये रिक्वेस्ट भी की कि वो मुझे अपने अंदर समा ले, वहीं शबनम ने प्यार के लिए खून की नदियां बहा दी। उसने अपने ही परिवार के 7 लोगों को अपने प्रेमी के साथ कत्ल कर दिया। ये बातें आप सब जानते हैं, और लेकिन आयशा की जो एक वीडियो वायरल हुई, जो आप लोगों ने देखी है, उसके बहुत सारे मतलब, मैंने जितनी बार उसकी वीडियो को देखा उतनी बार उसकी बातों में मुझे नई बात नज़र आती है। और हाँ, मैं दोनों में जो रिजेंबल की बात कर रही थी, एक वीडियो नहीं कह सकते उसको, एक फोटोग्राफ शबनम का भी जेल से मुस्कुराते हुए वायरल हुआ है। और आयशा का वीडियो जो है वो मरने से कुछ समय पहले उसने सोशल मीडिया पे वायरल किया, मतलब उसके जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो वायरल हो गया जब सबको पता चल गया। आयशा की बात करूं तो आयशा की मैंने जब भी वो वीडियो देखी, उसने बहुत सारी बातें कही हैं। उसने अपने प्यार पे एक बार भरोसा भी दिखाया है कि उसे बहुत प्यार है आरिफ से, आरिफ जिससे उसकी शादी हुई है, आरिफ से उसको प्यार होता है, उसके बाद उसकी शादी होती है। और देखिए उसके बाद क्या होता है, प्यार में पड़ी हुई लड़की को जब ये पता चलता है कि आरिफ किसी और के चक्कर में पड़ गया है, किसी और से प्यार करने लगा है, तो आयशा का दिल टूट जाता है। वो बहुत समझाती है, और यूँ समझिए कि ये जो बात हम समझ रहे हैं कि दहेज की बात इसको हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि आरिफ को भी पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो आयशा को परेशान करना चाहता था। इस हद तक परेशान करना चाहता था कि उसके पेरेंट्स को दर्द हो जिनकी वो प्रिंसेस थी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत पीड़ित हो जाएगी। इस तरीके से उसने उसको परेशान किया। आयशा ने एक जगह लिखा है कि अगर उसे आज़ादी चाहिए तो ठीक है, वो आज़ाद रहे। देखिए, अपने प्रेम को आज़ाद कर देना मतलब इस दिल को बहुत बड़ा कर देना है, जो आयशा ने किया। और उसने अपने पिता से भी ये कहा कि वो सारे केसेस जो हैं विड्रा कर लें, लड़ाई में क्या रखा है। और फिर उसने ये भी कहा कि आयशा लड़ाइयों के लिए नहीं बनी है, प्यार करते हैं आरिफ से, उसे हम परेशान थोड़े ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए तो ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी और उनसे कहूंगी कि मेरे से गलती कहाँ हो गई। ये कहते हुए उसकी आंखें नम उस वीडियो में साफ दिख रही हैं। अब अगर मैं शबनम की बात करूं तो शबनम ने भी अपने प्रेम का प्रस्ताव जो है अपने माता पिता के सामने रखा था कि वो सलीम से प्यार करती है और वो उसकी शादी करा दें, लेकिन किन्हीं से शादी नहीं हुई। माता पिता ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि उनकी बेटी कहाँ खुश रहेगी, इसलिए उन्होंने उसको इजाज़त नहीं दी। लेकिन शबनम ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि उसने अपने माता पिता को अपने प्रेमी के साथ मिल करके मारने की योजना बना ली। रूह कांप जाती है उस रात की घटना को जब हम सुनते हैं, देखते हैं किस तरीके से एक एक करके उन सब का सिर कुल्हाड़ी से अलग किया जाता है, और जो नन्ना अर्श होता है वो उसको आरी से
नहीं मारा जाता, उसको जो कुल्हाड़ी है उससे नहीं मारा जाता, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा है, गला दबा दिया है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आरिफ छींक खून करके निकल जाता है और उसके बाद अर्श की रोने की आवाज आती है। अब जब अर्श रोता है तो शबनम अपने प्रेमी को फोन करती है कि तुम आओ, अर्श जिंदा है, इसको भी मार के जाओ। देखिए, प्यार करने का एक जो अंदाज है वो इन दोनों लड़कियों का कितना अलग है। आयशा, तुमने भी सुसाइड करके अच्छा नहीं किया, और शबनम, तुमने जो किया वो तो बहुत ही बुरा किया। तुम माँ बनने वाली थी खुद, तुम्हारे अंदर 2 माह का शिशु पल रहा था, और तुमने एक नन्हे से बच्चे का गर्दन से मारने का अंदर से साहस कैसे जुटाया? सोच कर भी रूह कांप जाती है। ये सब बात मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ कि ये दोनों लड़कियां प्यार में पड़ी हुई थी, लेकिन शबनम ने खून की नदी बहा दी अपने प्यार को पाने के लिए कि शायद सब ये मर जाएंगे, परिवार के लोग, और मेरी शादी हो जाएगी सलीम के साथ। अपने परिजनों को मार करके आप कैसे खुशी तलाश कर सकते हो? और वहीं आयशा ने अपने प्यार को पाने के लिए, उस अपने प्यार को हासिल करने के लिए बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सहा। जिन माता पिता की वो प्रिंसेस थी उनसे वो दहेज की डिमांड भी की, और बहुत कुछ उसने सहा, लेकिन वो फिर थक गई और वो नदी में समा गई। उससे पहले जो उसने वीडियो वायरल किया, उसने उसकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला के रख दी। अब आरिफ की सुनिए। आरिफ को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन आरिफ के मोबाइल में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत हैरान करने वाली हैं। 70 मिनट की बात है जिस दिन आयशा नदी में छलांग लगाती है सुसाइड करने के लिए। 70 मिनट की बात में उसमें उसने 70 बार उसको अपने प्यार का वास्ता भी दिया, और आरिफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा तुम मर जाओ। और इधर शबनम के जो प्रेमी है सलीम, वो शबनम की याद में एक शायर बन चुका है। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जेल में बहुत सारी बातें सीखने को मिल जाती हैं, तो उसने शबनम की याद में शायरी सीख ली है। और इधर हालांकि इस समय उसको हाल ही में शबनम को बरेली में शिफ्ट किया गया है, शबनम हर पल ये सुनने के लिए बेताब रहती है कि सलीम कैसा है। ये बात खुद जहां जहां शबनम को रखा गया है वहां के जेलर ने इस बात को कहा है कि शबनम इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि सलीम कैसा है। प्यार करने वाले लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। शबनम को पता है कि उसके सामने बहुत थोड़े से दिन हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे दिन हों, लेकिन वो जेल में भी अपने प्रेमी के लिए बड़ी अवेयर रहती है और पूछती भी रहती है, और खबरों के जरिए भी वो जानती सुनती रहती है। एक बात। दूसरी बात, अभी कल ही मेरी निर्भया के जो वकील हैं वो आजकल शबनम के एडवोकेसी में भी एंटर कर चुके हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। मैंने उनसे पूछा कि शबनम का एक स्माइल करते हुए फोटो वायरल हुआ है, तो उन्होंने बड़ी साफगोई से कहा कि सबके फोटो वायरल होते हैं, अगर शबनम का हो गया तो क्या दिक्कत है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जेल में ऐसे ऐसे भी अपराधी हैं जिनको वीडियो कॉलिंग भी करवाई जाती है। शबनम चूंकि उसके पीछे अब कोई नहीं रहा, वो चाहे उसके कर्मों की वजह से है, लेकिन अगर उसका वीडियो हंसते हुए वायरल हो गया
तो उसमें क्या दिक्कत है? हो सकता है उसके पास बहुत कम दिन हो, हो सकता है वो बहुत कम दिनों के लिए हो, और हो सकता है कि उसके पास बहुत सारे दिन हो। ऐसे में अगर वो मुस्कुरा रही है तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? और वहीं वैसा ही कुछ आयशा ने भी किया, उसका भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसने उसकी जिंदगी की पूरी सच्चाई को खोल के दुनिया के सामने रख दिया। दोस्तों ये दोनों लड़कियां शबनम और आयशा अलग अलग वजहों से मुझे बहुत हर समय परेशान करती हैं। शबनम के लिए जब मैं सोचती हूँ तो मैं हमेशा मन ये कहता कि शबनम तुमने अच्छा नहीं किया, तुम एक माँ बनने जा रही थी और तुमने क्या कर दिया, अपने उस आने वाले बच्चे का भी नहीं सोचा जिसके लिए आज तुम तिल तिल मर रही हो। और आयशा तुमने भी बहुत बुरा किया, व्यवस्था में रह के लड़ना चाहिए, ऐसे सुसाइड थोड़े ना करते हैं। एनी हाउ जो होना होता है, मीन्स जो वो कर चुकी हैं दोनों लड़कियां, उसे अब मिटाया नहीं जा सकता, आयशा को वापस बुलाया नहीं जा सकता, शबनम ने जो किया है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आरिफ का क्या होता है, आरिफ खान का क्या होता है जो आयशा के हस्बैंड हैं, और शबनम और सलीम का क्या होता है। मेरे पास जो भी जानकारी, जो भी नई अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर कोई आपकी राय हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको शेयर किया करें, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और आजकल वैक्सीनेशन हो रही है, जो सीनियर सिटीजन हैं वो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, जो नहीं लगवा रहे हैं उनको लगवाना चाहिए, और जो यूथ हैं उनका भी नंबर आने वाला है। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं।